Xiaomi Mi 11 Lite, गाइस फाइनली जो है इंडिया में मी का 11 लाइट लॉन्च हो चुका है। एक्चुअल में जो है इस फोन का लॉन्च करने का मतलब सिर्फ यही है कि हाँ ये फोन है इंडिया के अंदर, लेकिन कोई यहाँ पर मतलब मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा मतलब नहीं है इस फोन को लेके। उसका रीजन क्या है, Redmi का मतलब जो Xiaomi का ब्रांड है Redmi, उसके अंदर अवेलेबल है Redmi का Note 10 Pro सीरीज, मतलब Redmi Note 10 Pro एंड Redmi Note 9 Pro Max, और Realme की बात करते हैं Realme 8 सीरीज, Realme 8 एंड Realme 8 Pro, और इसके अलावा बहुत सारे फोन है। Xiaomi का Mi 10i की बात करता हूं तो वो भी जो है उस प्राइस सेगमेंट में 5G डिवाइस दे रहा है, लेकिन अगर मैं जो है Xiaomi Mi 11 Lite की बात करता हूं तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइलाइटेड पॉइंट है उनके पास, क्योंकि वो एक लाइटवेट फोन है एंड वो स्लिम फोन है, जो कि अगर थिकनेस की बात करता हूं तो वो है 6.8 mm के साथ में एंड जो वेट है वो है 157 ग्राम। यहां पे एडवांस पॉइंट तो है कि ये फोन लाइटवेट है एंड स्लिम है, लेकिन माइनस पॉइंट भी है क्योंकि वो जितना फोन पतला होगा ना तो उसके हार्डवेयर जो कॉन्फ़िगरेशन होंगे जैसे बैटरी हो गई या कोई और हार्डवेयर हो गए तो वहां पर जो है माइनस या फिर हमें जो है डाउनग्रेड देखने को मिलेगा। तो गाइस डिटेल में बात करने वाले हैं, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को जो है जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं प्राइस सेगमेंट की। इस प्राइस सेगमेंट में मैं बोलना चाहूंगा कि यार यहां पे Redmi का Note 10 Pro या फिर जो है Redmi का Note 10 Pro Max या फिर जो है Xiaomi का ही अगर Mi 10i की बात करते हैं तो वो भी जो है ज्यादा बेटर है कंपैरिजन यहां पे Xiaomi Mi 11 Lite से। बात करते हैं Mi 11 Lite के लुक एंड डिजाइन एंड यहां पे बिल्ड क्वालिटी के बारे में। नो डाउट इसका जो लुक है मुझे पर्सनली बहुत ही बेहतरीन लगा है। अगर मैं Redmi Note 10 Pro से कंपेयर करता हूं, Redmi Note 10 Pro या फिर जो है Redmi Note 10 Pro Max से कंपेयर करता हूं या फिर जो है Xiaomi के Mi 10i से कंपेयर करता हूं तो लुक वाइज में नो डाउट मुझे पर्सनली जो है बेस्ट लगा है Mi 11 Lite। लेकिन अगर मैं यहां पे बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करता हूं तो वो भी जो है एक अच्छी है। Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन है बिल्ड क्वालिटी में, नो डाउट आपको यहां पे जो है बिल्ड क्वालिटी भी जो है एक अच्छी देखने को मिल जाएगी। लेकिन गाइस अगर यहां पे बात करता हूं डिस्प्ले क्वालिटी की, जो कि है फ्रंट डिजाइन जो कि है पंच होल स्क्रीन के साथ में, 6.5 इंच का डिस्प्ले आपको मिलेगा पंच होल स्क्रीन के साथ में, यहां पर आपको मिलेगा सुपर एमोलेड स्क्रीन 90Hz के साथ में, तो यहां पे कॉस्ट कटिंग की गई है। अगर Redmi Note 10 Pro की बात करता हूं तो वहां पे 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, जबकि प्राइस है Redmi Note 10 Pro का स्टार्टिंग बेस वेरिएंट 16,000 रुपए का, लेकिन फिर यहां पे जो है 90Hz दिया है, थोड़ा बहुत Mi का पैसा जा रहा है यहाँ पे, मतलब Mi की जो ब्रांडिंग होती है ना वो थोड़ी बहुत यहाँ पे कॉस्ट हैवी होती है। लेकिन गाइस अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी में सुपर एमोलेड के साथ बात करते हैं तो HDR 10 को जो है सपोर्ट करता है, नो डाउट डिस्प्ले क्वालिटी में आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन रिफ्रेश रेट में आपको जो है थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलेगी। और गाइस अगर बात करते हैं चिपसेट परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पर 4G फोन क्यों लॉन्च किया है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअल में जो रीजन ये है ना, स्नैपड्रैगन 732G बहुत सारे फोन अवेलेबल है, मतलब Redmi के फोन भी अवेलेबल है, दूसरे ब्रांड के भी अवेलेबल है, बार बार सेम चिपसेट यूज करना मतलब कोई लॉजिक वाली बात नहीं है कि आप Redmi के अंदर भी वही यूज कर रहे हो और Mi के अंदर भी जो है यूज कर रहे हो, कुछ डिफरेंट बनाते या फिर स्नैपड्रैगन 750G देते, Mi 10i से कंपटीशन देते, तो यहां पर जो है वो एक लॉजिक बनता है स्नैपड्रैगन 750G के साथ में, लेकिन स्नैपड्रैगन 732G वही चिपसेट, तो इस चिपसेट को लेकर थोड़े बहुत यहां पर कंज्यूमर निराश हो सकते हैं। गाइस अगर बात करते हैं यहां पर चिपसेट परफॉर्मेंस के बारे में, स्नैपड्रैगन 732G के अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं नो डाउट एक आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, लेकिन वही Mi UI 12 के साथ में आपको जो है थोड़ी बहुत दिक्कतें या फिर जो है ब्लोटवेयर लैगिंग इशू आपको जो है देखने को मिल सकता है, जो कि हम Redmi Note 10 Pro के अंदर ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। और इसके अलावा गाइस बात करते हैं कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि यूज किया है ट्रिपल कैमरा सेटअप। अगर यहां पे मेन कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं वो है 64MP का मेन कैमरा, जहां पर यूज किया गया है Samsung का सेंसर जो कि एक वाइड एंगल कैमरा है। अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए जो यूज किया गया है वो है 8MP का अल्ट्रा वाइड एंड 5MP का जो है मैक्रो लेंस आपको जो है देखने को मिलता है, मतलब डेप्थ को कवर करने के लिए एक डेडिकेटेड लेंस जो है नहीं दिया गया है। गाइस बात करते हैं फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, वो है 16MP का फ्रंट कैमरा, नो डाउट आपको जो है यहां पे कैमरा परफॉर्मेंस जो एक अच्छा देखने को मिल जाता है। गाइस अगर हम बात करते हैं यहां पे बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में तो यहां पे बैटरी आपको मिलेगी 4250mAh की बैटरी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि अगर यहां पे स्लिमेस्ट फोन बनाते हैं या फिर जो है पतला फोन बनाते हैं या फिर जो है लाइट वेट फोन बनाते हैं तो वहां पर जो है कोई ना कोई हमें जो है हार्डवेयर में माइनस पॉइंट देखने को मिलता ही है, तो हमने यहां पर देखा कि बैटरी आपको जो है कम मिलेगी, जो कि है 4250mAh की बैटरी, और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको इनबॉक्स में जो है 33W का जो है चार्जर मिलेगा। गाइस अगर हम यहां पे बात करते हैं बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, सुपर एमोलेड स्क्रीन है जो कि है 6.5 इंच के साथ में, 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट, हम बात करते हैं यहां पे कंटिन्यूस यूजिंग पे ऑलमोस्ट आपको जो है 8-8.5 घंटे का जो है बैटरी परफॉर्मेंस से इजीली से देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी परफॉर्मेंस वही आपको जो है साइड माउंट फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके जो है जरूर से बताना कि आपका क्या मानना है Xiaomi Mi 11 Lite के बारे में, क्या आप वेट कर रहे थे या
पे जो है आप परचेस करोगे, आप मुझे जो है कमेंट करके जरूर से बताना, और सब्सक्राइब नहीं करते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।